हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीविज़न की मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी गुलकी जोशी के बारे में, जो आज टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक फेमस नाम है। इन्होंने अपने करियर का जर्नी स्टार्ट किया था थिएटर से और ये कई साल तक थिएटर करने के बाद मुंबई पहुंची थी अपने सपनों को पूरा करने, और काफ़ी हार्डवर्क स्ट्रगल करने के बाद आज गुलकी एक फेमस पर्सनैलिटी है। गुलकी के लिए थिएटर इनका पहला प्यार है और टेलीविजन इनका मानो हस्बैंड है। लेकिन क्या आपको पता है, जब गुलकी इंडस्ट्री में न्यू थी और कई सारे जगह ऑडिशन दिया करती थी, तो इन्हें हर जगह रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा था। जिसके बाद गुलकी बताती है कि एक्टिंग सीखने से ज्यादा हमें रिजेक्शनों का सामना करना पहले सीख लेना चाहिए। अपने करियर में इतना नाम कमा चुकी गुलकी अगर एक्टर नहीं बनती तो एक पैराग्लाइडर, ट्रैवलर और इसी तरह के एडवेंचर फील्ड में अपना नाम बना चुकी होती। वहीं आपको बता दे, गुलकी एक ट्रेंड पैराग्लाइडर भी है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं, आखिरकार इनके लाइफ में ऐसा टाइम क्यों आया जब ये अपने करियर के टॉप में थी और इनका सीरियल मैडम सर, जो एक कॉमेडी शो था और TRP में काफी हाई थी, क्यों आखिरकार इनको ये शो छोड़ना पड़ा? कैसी थी गुलकी की अर्ली लाइफ और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और इनकी स्ट्रगल स्टोरी कैसी थी, और ये कैसे आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई है? ये सारे बातों का आंसर तो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें। गुलकी जोशी का जन्म 17 मई 1990 को मध्य प्रदेश में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और साल 2022 के हिसाब से यह है 32 साल की। बचपन से ही गुलकी काफी मस्ती मिजाज की है और हमेशा लोगों को हंसती हंसाती रहती है। वहीं गुलकी अपनी बचपन की यादें को ताजा करते हुए बताती है कि वो बचपन में टॉमबॉय टाइप रहा करती थी, लेकिन वो काफी शांत स्वभाव की थी। उनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। लेकिन वहीं बताती है, गुलकी बचपन से ही उन्हें एडवेंचर चीजें करना काफी पसंद है। गुलकी बचपन से ही काफी पढ़ाकू टाइप रही है। इसके साथ साथ ये अपने स्कूल के सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लिया करती थी, या फिर वो स्पोर्ट्स हो, एनुअल प्रोग्राम हो, टीचर्स डे हो, हर एक्टिविटी में वो अपना पार्टिसिपेट लिया ही करती थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन वीर भगत सिंह विद्यालय मुंबई से कम्प्लीट की। इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के मिठीबाई कॉलेज से कंप्लीट की। जब गुलकी अपने 12th स्टैंडर्ड में थी, तो उन्होंने पहली बार एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया, जहां पर इनको 2 दिन का रोल प्ले करना था, और इस सीरियल में इनको रिच लड़की के कैरेक्टर को प्ले करना था, और इनको इनके पहले ऑडिशन में ही सिलेक्ट कर लिया गया। और ये शो था करम युद्ध, जो DT1 पर टेलीकास्ट हुआ था, और उन्हें 2 दिन का रोल प्ले करना था, जिसके लिए उन्हें पर डे 1500 रुपये पे किया गया था। जब ये अपने कॉलेज में थी, तो इन्होंने अपने एक्टिंग को और भी बेहतरीन बनाने के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर ये कई सारे प्लेस का हिस्सा बनने लगी। लेकिन आपको बता दे, अब तक सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना बिल्कुल भी आसान नहीं था गुलकी की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, काफी स्ट्रगल का तो सामना करना पड़ा था, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। एक्टिंग पसंद आने के बाद भी कई बार इनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गोरी नहीं थी। हर बार इन्हें यही सुनने को मिलता था कि हमें लीड कास्ट के लिए गोरी चिट्टी ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए। एक बार हद तो तब हो गई जब गुलकी अपने ऑडिशन देने के लिए पहुंची थी और इन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा, अच्छा आप यहाँ पर नौकरानी के रोल के लिए आई हो। इसके लिए गुलकी किसी को भी ब्लेम नहीं करती, वो कहती है कि ये इंडस्ट्री ऐसा ही है और इसी तरह काम करती है। और यहाँ तक कि आपको बता दे, गुलकी अपने सारे रिजेक्शनों और अपने इंसल्ट को हमेशा अपने प्लस पॉइंट में लेती रही, जिसके बदौलत गुलकी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड बना पाई है, और आज वह ऐसी पोजीशन पर आ गई है जहां उन्हें तारीफ और इंसल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका मानना है कि रिजेक्शन, फेलियर हमें सक्सेस से ज्यादा सिखाते हैं, इसीलिए उनसे हमें हमेशा सीख लेना चाहिए। वहीं गुलकी बताती है कि मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा टाइम आता था जब कई कई लंबे टाइम तक मेरे पास कोई शो नहीं होता था, और कभी कभी इतना अच्छा भी होता था कि एक साथ मैं 3-3 शो में काम करती
थी और गुलकी ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत साल 2011 में एपिसोडिक शो क्राइम पेट्रोल से की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल फिर सुबह होगी में सुगनी सिंह की भूमिका निभाई थी और इस सीरियल से इनको काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। इसके बाद ये कई सारे टीवी सीरियल्स में नजर आई, जैसे ये है मोहब्बतें, पिया रंगरेज, परमावतरा श्री कृष्ण, पिया अलबेला, लाल इश्क जैसे कई सारे सीरियल्स में एक्टिंग करने के बाद ये और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई। और इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया साल 2020 में, जब ये सब टीवी की कॉमेडी शो मैडम सर में एक्टिंग की और इस सीरियल से ही इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली और करंटली ये इसी सीरियल में नजर आती है। कुछ दिनों के लिए इन्होंने इस सीरियल से ब्रेक लिया था क्योंकि ये काम करके काफी डिप्रेशन में जाने लगी थी और इनकी फैमिली और रिलेशन काफी इफेक्ट होने लगे थे, जिसके बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए इस शो से ब्रेक ले लिया। इनके शो से ब्रेक लेने पर भी कई सारे गलत अफवाहें उड़ाई गई थी, हालांकि ये सब झूठी था। और आज गुलकी के चाहने वालों की कमी नहीं है और इनके फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और ये चाहे तो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का हिस्सा भी बन सकती है। लेकिन गुलकी कहती है कि वो डांस और सिंगिंग जैसे रियलिटी शो का ऑफर एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन वो अटेंशन पाने के लिए बिग बॉस जैसे चीप शो में अपने आप को नहीं ले जा सकती है। वहीं आपको बता दे, गुलकी को दाल चावल और घी खाना काफी पसंद है। वहीं बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो ये अनमैरिड है और इनका फिलहाल शादी का लेकर कोई भी प्लान नहीं है और ये अभी अपने करियर पर ही फोकस करना चाहती है। वहीं गुलकी कहती है कि उनके शादी को लेकर उनके माँ बाप काफी परेशान रहते हैं, लेकिन गुलकी का मानना है कि जब तक वो उनके लाइफ में कोई उनके टाइप का नहीं मिल जाता, तब तक वह बिल्कुल अपने करियर पर ही फोकस करने वाली है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है और लाइफ में कौन कब तक किसका साथ दे ये तो कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं अपने लाइफ में सिंगल ही ठीक हूँ, ऐसा गुलकी का मानना है। तो फ्रेंड्स, ये थी गुलकी की लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।